गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा, आपके चैप्टर 16 की आधी रीडिंग हम आपको पहले वीडियो में करा चुके थे। अब उसके आगे की रीडिंग अब स्टार्ट करते हैं। यूरोपवासियों का भारत में आगमन। सिकंदर के भारत पर आक्रमण के समय से ही यूरोप के लोग परिचित थे। यूरोपीय लोगों का भारत से प्रत्यक्ष संपर्क रोमन साम्राज्य के समय में भी था। मध्यकाल में अरब वासियों ने व्यापार द्वारा भारत तथा यूरोप के देशों के बीच कड़ी का कार्य किया। अरब द्वारा ही यूरोप के लोगों को खगोल विद्या, गणित तथा संस्कृति का ज्ञान प्राप्त हुआ, किंतु यूरोप के वासी भारत से व्यापार में अधिक रुचि लेते थे। पुर्तगाल, हॉलैंड, इंग्लैंड तथा फ्रांस भारत और पूर्व के अन्य देशों के साथ व्यापार पर नियंत्रण करने की होड़ में सम्मिलित हुए। पुर्तगालियों ने सबसे पहले अपनी व्यापारिक कंपनी भारत में स्थापित की। वे भारत में अपने अरबी व्यापारिक प्रतिद्वंदियों को हराकर व्यापार पर अधिकार करना एवं ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहते थे। मालाबार के शासकों ने अरबों, तुर्कों एवं मिश्र के संघ को हराकर हिंद महासागर में अपनी नौ सैनिक शक्ति का दबदबा स्थापित किया। 1510 ईस्वी में इन्होंने बीजापुर के सुल्तान को पराजित कर गोवा पर अपना अधिकार करके वहां पुर्तगाली बस्ती बसाने में सफलता प्राप्त की। उसके बाद उन्होंने 1534 ईस्वी में बसई व द्वीप तथा 1538 ईस्वी में दमन में भी अपने उपनिवेश बना लिए। पुर्तगालियों की सफलता ने अंग्रेज, डच एवं फ्रांसीसी व्यापारियों को भी उत्साहित किया, जिन्होंने 17वीं शताब्दी में भारत में अपनी व्यापारिक कंपनियां स्थापित की। ठीक है, सबसे पहले पुर्तगालियों ने अपनी बस्तियां बसाई और उनको देखकर अंग्रेज और डच और जो फ्रांसीसी व्यापारी थे उनको भी क्या हुआ, उनको भी उत्साहित हुए वो भी, कि जब वो लोग ऐसा कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। भारत में अंग्रेज व डच व्यापारी मित्र के रूप में आए थे, लेकिन व्यापारिक प्रतिद्वंदिता ने उन्हें शीघ्र ही शत्रु बना दिया। मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में दो अंग्रेज दूत व्यापार में रियासतें प्राप्त करने के इरादे से आए। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने चेन्नई को खरीद लिया तथा वहां सेंट जॉर्ज फोर्ट बनाने की आज्ञा भी प्राप्त कर ली। इसके बाद वे बालासोर यानी उड़ीसा नया और नया नाम क्या है ओडिशा एवं हुगली बंगाल में अपने कारखाने स्थापित करने में भी सफल हुए। ईस्ट इंडिया कंपनी ने चार्ल्स द्वितीय से 1661 ईस्वी में बहुत कम किराए पर मुंबई द्वीप भी ले लिया। औरंगजेब से उन्होंने कोलकाता में एक कारखाना स्थापित करने की आज्ञा ले ली। कोलकाता के बसने और स्वतंत्र व्यापार करने का भी उन्हें अधिकार प्राप्त हो गया। अब हमारा आता है यूरोप में पुनर्जागरण। यूरोप में एक लंबे अंधकार युग के बाद 15वीं शताब्दी में एक नया आंदोलन आरंभ हुआ, इसे पुनर्जागरण कहते हैं। इस आंदोलन में लोगों के मन में यूरोप की प्राचीन सभ्यता और संस्कृति के प्रति पुनः रुचि उत्पन्न हुई। लोगों का ध्यान ईसाई धर्म के आरंभ होने से पूर्व की यूनान और रोमन के सभ्यताओं और संस्कृतियों की ओर गया। इन सभ्यताओं के इतिहास, दर्शन, साहित्य और कलात्मक उपलब्धियों का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। इटली के छोटे छोटे राज्यों के शासक ही नहीं बल्कि धनी व्यापारी भी इस ज्ञान में रुचि लेने लगे। 15वीं शताब्दी में पोलैंड के नए दार्शनिक कॉपरनिक्स ने यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि सूर्य ब्रह्मांड केंद्र है और पृथ्वी तथा अन्य ग्रह इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। उसका यह सिद्धांत अधार्मिक समझा गया, क्योंकि अभी तक चर्च का कहना था कि पृथ्वी ही ब्रह्मांड का केंद्र है, क्योंकि पृथ्वी को ईश्वर ने बनाया है। 17वीं शताब्दी के आरंभ में इटली के वैज्ञानिक गैलीलियो ने भी इसी तथ्य को सिद्ध किया। कौन से तथ्य को? जो कॉपरनिक्स ने दिया था। उसने दूरबीन से सूर्य और अन्य ग्रहों को देखा, फिर अपने इस निष्कर्ष पर पहुंचा। वह चर्च के ज्ञान को असत्य घोषित करके उसको चुनौती दे रहा था। इससे चर्च के साथ उसका संघर्ष भी हुआ। यह आंदोलन इटली के नगरों से आरंभ हुए और धीरे धीरे यूरोप के अन्य देशों, विशेष रूप से फ्रांस, हॉलैंड, बेल्जियम और इंग्लैंड के नगरों में फैल गए। यह विचारधारा व्यापारियों में बहुत लोकप्रिय हुई, क्योंकि व्यापारी नहीं चाहते थे कि चर्च बहुत शक्तिशाली बने। इस विचारधारा ने सामंत शाही पर भी कुठाराघात किया। कुठाराघात मतलब आघात है ना, उनको चोट पहुंचाई। अनुसंधान का युग। सन 1453 में ऑटोमन तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया पर आक्रमण किया और उस पर अपना अधिकार कर लिया। पश्चिमी एशिया का एक बहुत बड़ा भाग
पहले से ही तुर्कों के अधिकार में था। इससे एशिया और यूरोप के व्यापारिक संबंध टूट गए, क्योंकि एशिया के साथ बहुत सा व्यापार इसी क्षेत्र से होता था। अब यूरोप के व्यापारियों के लिए यह आवश्यक हो गया कि वे एशिया और भारत के लिए एक नया मार्ग खोज निकालें। यूरोप को दो कारणों से एशिया के साथ अपने व्यापारिक संबंध बनाए रखना आवश्यक था। एक तो यूरोप को एशिया के मसालों की आवश्यकता पड़ती थी। मांस को बहुत समय तक उपयोग में लाए जाने योग्य बनाए रखने के लिए इन मसालों का उपयोग किया जाता था। ठीक है, एक तो क्या था, मसालों की जरूरत थी। एशिया के मसालों का व्यापार अरब निवासियों के हाथ में था। वे पश्चिमी एशिया के बाजारों से मसाले लाते थे और इटली के व्यापारियों को बेच देते थे। फिर इटली के व्यापारी बहुत अधिक लाभ पर उनको यूरोप के अन्य क्षेत्रों में बेचते थे। दूसरा कारण यह था कि यूरोप के बहुत से नगर एशिया के इसी व्यापार पर निर्भर थे, और यदि यह व्यापार रुक जाता तो उन नगरों का पतन हो जाता। ठीक है, तो दो बातें हो गई, एक तो मसाले चाहिए थे उनको, और दूसरे उनका जो है बहुत से लोगों का जो काम था वो इसी व्यापार पर निर्भर था। अब यूरोप से पश्चिमी एशिया से होकर पूर्वी एशिया की ओर जाने वाला भूमि मार्ग बंद हो गया था, अतः उन्हें एक समुद्री मार्ग खोजना था जिससे यूरोपवासी अपना व्यापार कायम रख सके। परंतु उत्तरी भागों को छोड़कर अफ्रीका के विषय में लोगों को बहुत कम जानकारी थी। उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के अस्तित्व का भी कोई ज्ञान नहीं था। इस क्षेत्र में सबसे पहले पुर्तगाली आए। सन 1488 में वारियोलोमियो डियाज ने अफ्रीका के पश्चिमी समुद्री तट की यात्रा की, और वह अफ्रीका की दक्षिणी नोक आशा अंतरीप केप ऑफ गुड होप तक गया। 10 वर्ष बाद सन 1498 में वास्को डी गामा डियाज के मार्ग का अनुसरण करते हुए भारत के पश्चिमी तट पर पहुंच गया। देखिए, रोचक जानकारी में क्या है, ऐसा माना जाता है कि इसे अंतरीप इसलिए रखा गया क्योंकि पुर्तगालियों को यहाँ भारत से आने वाले अरब व्यापारियों से मिलकर ही भारत पहुँचने की आशा बनी थी। एक और रोचक जानकारी दी हुई है, यूरोप ऑस्ट्र एशिया दोनों महाद्वीप भूमि मार्ग से जुड़े हैं, अतः इन दोनों महाद्वीपों को मिलाकर यूरेशिया कहते हैं। इसके विषय में आप पहले पढ़ चुके हैं। उसने भारत पहुंचने में एक अरबी समुद्री यात्री की सहायता ली। अब पुर्तगालियों ने अरबों के व्यापार पर अपना अधिकार कर लिया। अमेरिका की खोज। अब तक यूरोप वासियों को अमेरिका के विषय में जानकारी नहीं थी। वे केवल यही जानते थे कि यूरोप, एशिया और अफ्रीका ही विश्व के भाग हैं। स्पेनवासी भारत के लिए एक नए समुद्री मार्ग की खोज में थे। प्रसिद्ध यात्री क्रिस्टोफर कोलंबस के नेतृत्व में एक समुद्री अभियान के व्यय को स्पेन के बादशाह ने वहन किया। कोलंबस ने सोचा कि वह स्पेन से पश्चिमी दिशा में समुद्र को पार करेगा तो वह भारत पहुंच जाएगा। उस समय लोगों को यह विश्वास हो गया था कि पृथ्वी गोल है, और वह यह नहीं जानते थे कि बीच में अमेरिका के महाद्वीप हैं। इसलिए उसने पश्चिम की ओर यात्रा की और वह काफ़ी कठिनाइयों के बाद वेस्ट इंडीज़ के द्वीपों तक जा पहुँचा। उसने सोचा कि वह भारत पहुँच गया है, इसलिए उसने इन द्वीपों को वेस्ट इंडीज़ कहा तथा वहाँ के निवासियों को रेड इंडियंस का नाम दिया, जो जंगली जीवन व्यतीत करते थे। यह घटना सन 1492 में हुई थी। सन 1497 में अमेरिगो वेस्कूपी ने भी अमेरिका की यात्रा की। इस नए महाद्वीप का नाम अमेरिगो वेस्कूपी के स्पूकी के नाम पर अमरीका हुआ। यही कारण है कि अमेरिका को नई दुनिया कहा जाता है। बाद में सन 1519 में जब मैगलेन ने विश्व की समुद्र यात्रा की तो अमेरिकी महाद्वीप का अस्तित्व सिद्ध हो गया। स्पेन वासियों ने अमेरिका में दो बड़ी महान सभ्यताओं की खोज की। एक मेक्सिको की एस्टेक सभ्यता थी और दूसरी पेरू की इंका सभ्यता। यहाँ उन्होंने बहुत बड़ी मात्रा में सोना, चांदी और बहुमूल्य रत्न प्राप्त किए, इसलिए उन्होंने इन क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की। इन सभ्यताओं को नष्ट किया और वहाँ का सोना चांदी स्पेन ले आए। इस प्रकार स्पेन बड़ा धनी देश बन गया। भौगोलिक ज्ञान और वैज्ञानिक साधनों ने इन समुद्री यात्राओं में नाविकों की सहायता की। भौगोलिक ज्ञान का मुख्य आधार मानचित्र होते हैं। आरंभ में यूनानी और रोमन लोगों के बनाए मानचित्रों को यूरोप के नाविकों द्वारा प्रयोग किया गया, पर जब कोई जहाज किसी नए देश को जाता था तो नाविक अपने साथ नया ज्ञान और नई सूचना लाते थे। भूगोलवेत्ता इन सूचनाओं के आधार पर मानचित्रों में सुधार करते थे। इन मानचित्रों के अतिरिक्त वैज्ञानिकों ने कुछ नए यंत्रों का भी आविष्कार किया, जिनकी सहायता से किसी निश्चित स्थान के देशांतर की नाप की जाती थी।
इस प्रकार विभिन्न क्षेत्रों की दूरियों एवं दिशाओं के विषय में जानना सरल हो गया था। यूरोप निवासियों ने अरब निवासियों के दो यंत्रों वेद यंत्र तथा क्वाड्रांत का प्रयोग किया। इन यंत्रों के प्रयोग से पहले नाविकों को अपनी दिशा का पता लगाने के लिए तारों की स्थिति पर निर्भर रहना पड़ता था, परंतु अरब पृथ्वी से दूर मध्य समुद्र में यात्रा करता हुआ जहाज अपनी दिक् स्थिति नहीं खो सकता था। मैरिनर्स कंपास के आविष्कार के बाद समुद्र में खो जाने का भय और भी कम हो गया। पुर्तगालियों ने अनेक प्रकार के पालों के प्रयोग आरंभ किए और अंत में उन्हें घूमने वाले पालों का आविष्कार किया, जिसको वायु की दिशा के अनुसार ठीक किया जा सकता था। इनकी सहायता से समुद्र में आर पार चलने वाली हवाओं का प्रयोग किसी भी दिशा में किया जा सकता था और उनसे अधिक गति भी प्राप्त की जा सकती थी। पुर्तगाली अपने जहाज़ों में तोपें भी लगाते थे, जिससे वे समुद्र तट के स्थानीय लोगों से सफलता के साथ युद्ध कर सकें। धीरे धीरे यूरोप के अन्य देश हॉलैंड, बेल्जियम, इंग्लैंड और डेनमार्क भी स्पेन और पुर्तगालियों के साथ सम्मिलित हो गए। इन देशों के इस क्षेत्र में आने से पुर्तगाल और स्पेन का पतन हुआ। धर्म सुधार आंदोलन और उसकी प्रतिक्रिया। अंधकार युग से पुनर्जागरण युग तक यूरोप का सबसे प्रभावशाली धर्म ईसाई धर्म था। इस समय तक ईसाई धर्म दो दलों में विभाजित हो चुका था। इसमें रोमन कैथोलिक धर्म था और दूसरा यूनान का परंपरावादी ईसाई धर्म था। चर्च का सबसे बड़ा नेता पोप कहलाता था। सारे मध्य युग में पोप राजनीतिक तथा धार्मिक मामलों में सबसे अधिक शक्तिशाली था। यह वह समय था जब पुनर्जागरण युग के नवीन विचार लोगों की विचारधारा को प्रभावित करने लगे थे। इन विचारों को कैथोलिक चर्च वाले स्वीकार नहीं करते थे। धीरे धीरे चर्च और पोप के अधिकारों को चुनौती दी जाने लगी। लोग राजनीति में चर्च के हस्तक्षेप कर आपत्ति जताने लगे। अभी तक चर्च के लोगों से अनेक प्रकार के कर लेने का अधिकार था, लेकिन अब लोग इन करों का विरोध करने लगे। पादरी विलासिता का जीवन व्यतीत करते थे, यह ईसा मसीह की शिक्षाओं के विरुद्ध कार्य करने लगे। ये वे लोग थे जो रोमन के कैथोलिक चर्च का विरोध करते थे। यह आंदोलन धार्मिक सुधार आंदोलन कहलाया। हॉलैंड, इंग्लैंड, नॉर्वे और स्वीडन जैसी उत्तरी यूरोप के देशों ने प्रोटेस्टेंट धर्म को अपना लिया। दक्षिण यूरोप के कैथोलिक देशों ने अपने धर्म के सुधार में एक दूसरा आंदोलन आरंभ किया। स्पेन के कैथोलिक इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। जीसस या जेसुइस्ट दल का इसी उद्देश्य से निर्माण हुआ। इसी दल का प्रसिद्ध फ्रांसिस जेवियर था, जिसने अपने जीवन के बहुत से वर्ष भारत में धर्म प्रचार में व्यतीत किए, परंतु कैथोलिक चर्च ने सुधार आंदोलन को स्वीकार नहीं किया। साथ ही वह और अधिक परंपरावादी बन गए। विरोध करने वालों को कठोर दंड दिया जाने लगा। भारत में पुर्तगाली। हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि पुर्तगाली भारत में व्यापार करने के लिए आए थे। उनका पहला उद्देश्य अरब व्यापारियों पर अपना अधिकार करना था। उन्हें इसके लिए समुद्री डाकुओं का भी सहारा लेना पड़ा। इस व्यापार को कायम रखने के लिए उन्होंने पश्चिमी एशिया, भारत और बाद में दक्षिणी पूर्वी एशिया में भी अपने उपनिवेश स्थापित किए। वे भारत में स्थायी रूप से बसना नहीं चाहते थे। वे केवल अपने उपनिवेशों में अस्थायी रूप से रहते थे और फिर वापस पुर्तगाल चले जाते थे। उनका दूसरा उद्देश्य अधिक से अधिक भारतीयों को रोमन कैथोलिक चर्च का ईसाई बनाना था। उन्होंने भारत में अपने धार्मिक न्यायालय भी स्थापित किए थे। वे लोगों को ईसाई धर्म ईसाई बनाने में किसी प्रकार का संकोच नहीं करते थे। भारत में मुगल। मुगलों का भारत में आने का उद्देश्य पुर्तगालियों से नितांत भिन्न था। मुगल भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से नहीं आए थे। उनका उद्देश्य भारत में अपना साम्राज्य स्थापित करना था। पुर्तगालियों ने भारत को अपना स्थायी निवास नहीं बनाया, जबकि मुगलों ने भारत को अपना स्थायी निवास बनाया। मुगल भारत पर शासन करना चाहते थे, परंतु बहुत बड़ी संख्या में उन्होंने हिंदुओं को मुसलमान नहीं बनाया। औरंगजेब के अतिरिक्त अन्य मुगल शासक अपनी धार्मिक नीति में बड़े उदार थे। अकबर की धार्मिक नीति को तो अब तक याद किया जाता है। ये बेटा 16 चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है।